Bismillah ala barakatillah. पता है क्या है, अफगानी ऐश, अफगानी आश भी कहते हैं मेरे ख्याल इसको. बेसिकली ये हैं अफगानी नूडल्स. ये देखें नूडल्स हैं, उसके साथ ये कीमा और ये चने की दाल है. तो बड़े मज़े की है, खानी है बता दो. वाह, खुद बनाई है, बनानी है, किसको बताना नहीं. वीडियो देखें, वीडियो देखें, रेसिपी उसमें बनी है. जाएं तो अफगानी ऐश या आश जो भी है, असल में मुझे मे बी के मैं प्रोनाउंसिएट जो है ना सही नहीं कर पाऊँ. तो उसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ बेसिकली चाहिए, ऐश, जो नूडल्स या स्पैगेटीज भी जिसे कहते हैं, धनिया और ये पुदीना, टमाटर तकरीबन 8 बल्कि 2 जग पानी नूडल्स को उबालने के लिए, प्याज, हरी मिर्च, ये साबुत चना, उसमें जो है ना ये जो लोबिया है, सुर्ख लोबिया, इसको आप अलग अलग से भी उबाल सकते हैं, मैंने इकट्ठे उबाला है टाइम को बचाने के लिए, चने की दाल, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, ये सूखी धनिया, और इसके साथ जो है ना हल्दी, दही, ये इसमें प्याज, अदरक, हरी मिर्च, कीमा. अच्छा, ये पानी अभी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है. इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है ये तेल डालेंगे. इसकी वजह ये है ताकि, बल्कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि इसमें जो हम नूडल्स डालेंगे वो आपस में चिपके ना. साथ में हमने डालनी है तकरीबन ये 2 टेबलस्पून नमक, और इसको हमने उबालने देना है. जब तक पानी उबले हमने जो है ना इसके लिए एक ये पेस्ट सा बनाना है, जिसमें हमने डालना है सबसे पहले प्याज, साथ में हमने ये हरी मिर्च डालनी है, लहसुन, और साथ में हमने डालनी है ये हरा धनिया. अच्छा, ये पेस्ट हमने तकरीबन बना लिया है. हाँ, अच्छा, ये पानी हमारा अब उबल रहा है, इसमें हमने अभी ये डालने हैं स्पैगेटीज. बेहतर ये है इसके लिए कि आप इसको तोड़ दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा. इसको अभी हमने थोड़ा सा ये 10 मिनट तक इसको हमने पकाना है इसी में. अच्छा देखें, ये अभी हमारा काफ़ी जो है ना ये नरम हो गया है स्पैगेटीज. तो अभी हमने इसमें डालनी है जो हमने ये लोबिया और चना उबाला था, ये इसमें डालेंगे. ये हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, उसको तकरीबन 4-5 मिनट फर्दर पकने देंगे. थोड़ा सा जो है ना, मतलब हमने पका लिया 4-5 मिनट, इसमें फर्दर हमने अभी क्या करना है, दही डालना है. दही डाल के हमने इसको और लॉक ऊपर ये सारा मिक्स करना है. मीनवाइल ये देखें तेल हमारा गर्म हो गया. अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और हर धनिया का, ये इसमें डाल देंगे. ये इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे. इसमें ये जो हमने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और ये थोड़ी सी किसी भी लाल मिर्च, और उसको हमने फर्दर इसको मिक्स करना है. हमने ये पुदीना जो है, फ्रेश पुदीना, ये हमें डालने लें.
और इसके साथ ही हमने ये जो हमने मसाला भी फ्राई किया ये हमने इसमें डाल दिया। और इसको मज़ीद पकने देंगे। अच्छा ये स्पैगेटीज हमारे जो है ना जो ऐश है या आश है ये हमारी तैयार हो गई। तो इसमें पानी भी जो है ना काफ़ी कदर कम हो गया। अब इसको अगर हम मतलब अगर आप कम पानी चाहते हैं तो और इसमें पानी सुखा सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज़ के मुताबिक ये सही है। इसके पीछे हम जो है ना आग हम अभी बंद कर देते हैं। अब इसके लिए हमने बनाना है कीमा। तेल भी हम डाल सकते हैं लेकिन मैं इस वक्त ले रहा हूँ, इसमें तेल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इस वक्त घी ले रहा हूँ। घी का थोड़ा सा जायका बेहतर आ जाता है। इसमें हमने डाल देना है ये प्याज जो हमने काटा हुआ था। अच्छा ये भी थोड़े ब्राउन होने शुरू हुए तो हमने जो अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था ये भी इसमें हम डाल लेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा जब हमने भून लिया तो इसमें हमने ये कीमा डालना है। बिल्कुल सादा कीमा है, कोई कोफ्तों वाला या मसाले वाला नहीं है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा ढांक लेंगे ताकि कीमा ज़रा पक जाए। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना इसको हमने चेक करना है। अच्छा ये पानी इसने मतलब सूख गया है अपना जो कीमे का पानी था। अब इसमें हमने जो टमाटर पेस्ट डाला था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने डालनी है ये हरी मिर्च। हरी मिर्च आपका अपना है कॉल है कि अगर आप डालते हैं या नहीं डालते, तो ये हम डाल लेते हैं। इसको हमने मज़ीद पकने देना है। अच्छा अभी हमने इसमें डालना है धनिया, तकरीबन एक टीस्पून से टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। सुर्ख मिर्च, ये हल्दी एक छोटी चम्मच, और ये ज़ीरा। साथ में हमने ये थोड़ा सा नमक इसमें डालना है एक टेबल स्पून तक के बाद। अच्छी तरह मिक्स कर देना। अच्छा देखें ये इसमें घी निकल आया है, मतलब ये ऑलमोस्ट कीमा जो हमारा है वो तैयार हो गया है। तो इसमें भी हमने ऐड करना है ये चने की दाल, जो भी वो भी हमने चने की दाल भी हमने पहले से उबाली हुई थी, तो उबली हुई चने की दाल इसमें डालेंगे। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये भी हमारी हो गई है तैयार। अभी इसको हम करेंगे सर्व। बिस्मिल्लाह अला बरकतुल्लाह, ये हमने हमारा ऐश तैयार हो गया। ठीक है ये हमने डाल लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर हमने डाल लिया। मेरा बेटा बताएगा आपको कि कैसे बनाए। कैसा है? जबरदस्त। हाँ जबरदस्त।